हाय दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। बड़े दिनों बाद मौका मिला है फाइनली यहाँ आने का। कहते हैं कि अगर किसी कलाकार को कोई तोहफा देना हो ना, तो उसे अपना थोड़ा वक्त दे दो। अगर कोई पेंटर है तो 2 मिनट निकाल के उसकी पेंटिंग देख लो। तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हें बुरी लगे, वो तुम्हारा ओपिनियन है, वो तुम्हें उसके लिए सच्चा भी रहना चाहिए। तो इस जगह के लिए ना मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस जगह ने ना मुझे मौका दिया है कि मैं, इन्होंने, ये लोग मुझे सुनते हैं, मेरा मैसेज आगे पहुंचा रहे हैं। तो इस जगह का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, द सोशल हाउस का। और एक और शख्स है यहाँ पे आज, जिसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। मैंने रवि भाई को भी पहले बोला था। रवि भाई ने मुझसे पूछा था कि मुझे इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई ने यहाँ परफॉर्म किया था। तो सार्थक शर्मा, थैंक यू सो मच, योर वीडियो वॉज ए वेरी बिग मोटिवेशन कि मैं यहाँ आ सकूं। आजादी, आजादी मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ऐसे ही ना ढेर सारे मैसेजेस आ रहे थे 15 अगस्त को। मतलब छत पे ऊपर इतनी पतंगे नहीं दिख रही थी जितने लोग व्हाट्सएप में बना रहे थे ये दिन। हमारी स्मार्टफोन जनरेशन, वो क्या कहते हैं, फेसबुक पे त्यौहार मनाना ज़्यादा ज़रूरी है, व्हाट्सएप पे त्यौहार मनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस दिन ना एक अजीब से कुछ ख्याल आने लग गए दिमाग में। मैंने दोपहर को पूरे सुबह स्पीच सुनी, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड किया, दोपहर को सोने की कोशिश की, मैं सो नहीं पाया। पता नहीं क्यों उस दिन ना कुछ सवालों ने परेशान कर दिया। कुछ सवाल आने लग गए कि यार आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या होता है? क्या आज़ादी सिर्फ इसीलिए थी कि हम अंग्रेजों से बच जाएं, या उस टाइम पे जितनी भी वो बुरी प्रैक्टिसेस थी या बुरी वैल्यूज थी उनसे आज़ाद हो जाएं? तो दिमाग में ना सवाल उठने लग गए कि क्या आज़ाद हैं भी? तो वही मेरी एक पोएम है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, रिलेट कर पाएं तो बताइएगा। पोएम का नाम है क्या आज़ाद हो तुम। यूं तो आज भी गोरे काले में फर्क करते हो, इंसान की पहचान उसकी जेब से करते हो, जात प्रात के नाम पे देश को बांटते हो और फिर कहते हो आजाद हो तुम। कितनी दफा लड़की को पैदा होने से पहले ही मार देते हो, जिंदगी भर उसकी पढ़ाई से ज्यादा उसकी शादी को अहमियत देते हो, पीरियड्स के दिनों में उसको मंदिर और रसोई जाने से रोकते हो और फिर कहते हो आजाद हो तुम। बढ़ती उम्र के साथ माँ बाप को बोझ समझते हो, किसी जरूरतमंद की मदद करने से पहले अपना फायदा नुकसान देखते हो, इंसान की जगह पत्थरों में भगवान को ढूंढते हो और फिर कहते हो आजाद हो तुम। थैंक यू। औरत पे हाथ उठाने को अपनी मर्दानगी समझते हो, तोहफे के नाम पे आज भी दहेज लेते हो, लड़की का करेक्टर उसके कपड़ों से डिसाइड करते हो और फिर कहते हो आजाद हो तुम। ऑल मैन आर डॉग्स, मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं, सिट लाइक अ लेडी, लड़कियां ऐसे जोर से हंसती नहीं, ऐसी स्टीरियोटाइप सोच आज भी रखते हो और फिर कहते हो आजाद हो तुम। उनकी कैद से तो बच गए, लेकिन 70 साल से खुद की छोटी सोच की कैद में हो तुम और फिर कहते हो आजाद हो तुम। तोड़ दोगे जिस दिन ये खुद की अकल पे लगे तालों को, बढ़ जाओगे आगे जिस दिन इन बंदिशों से तुम, चल पड़ोगे जिस दिन इंसानियत के रास्ते पे, उस दिन कहना आजाद हो तुम, उस दिन कहना आजाद हो तुम। थैंक यू।